दोस्तों, आप सभी का हमारे कुकिंग चैनल में स्वागत है। हेल्दी और पौष्टिक ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं और इतना हल्का और एकदम टेस्टी ये नाश्ता चटपटा बनकर एकदम तैयार होगा। तो रेसिपी है, ये छिलके वाले मूंग, खड़ा मूंग है और इसे एक गिलास फूलने डाले हैं और एक गिलास चावल डालेंगे। इसे पानी में भिगोकर एक दो बार इसे पानी में अच्छे से इसे साफ़ कर लेंगे, इसका जो भी गंदा है सब निकल जाए। तो इस तरह से इसे देखिए, पानी को, सारे पानी को इसका गिरा दिए हैं। फिर इसमें फ्रेश पानी डालकर इसे भिगोकर रात भर इसे फूलने के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए फूलकर तैयार हो गया है। फिर पानी को एक दो बार इसे चेंज कर देंगे ताकि इसका जो भी स्मेल है सारा निकल जाए और इसे एक जाली वाले बर्तन में सबको छान लेंगे ताकि इसका सारा पानी गल जाएगा। तो उसके लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। कढ़ाई एकदम गर्म हो गई है। एक चम्मच धनिया डालें, एक चम्मच मेथी डाले हैं, थोड़ा सा गोल मिर्च डाले हैं और इसे थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा जीरा डाले हैं, दो तीन सूखा मिर्च डाले हैं। इतना टेस्टी और मसाला चटपटा और भुंजा हुआ मसाला डालने के बाद तो टेस्टी एकदम अलग आ जाता है। बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं करेंगे, दरदरा ही पीसेंगे। और ये दाल भी फूलकर तैयार हो गया, इसे भी मिक्सी वाले जार में डालेंगे, इसे भी पीसेंगे, थोड़ा पानी डालकर पीसेंगे। और इस तरह से देखिए इसका एकदम ये छिलका साथ में पीसने के बाद थोड़ा कलर भी इसका देखिए एकदम चेंज हो गया है। और इसी तरह पीस कर इसे सारे को तैयार किए हैं। जो मसाला दरदरा पीसे हुए थे वो भी इसमें डालकर इसे मिक्स करेंगे। इतना टेस्टी और इतना हल्का, तो भाई उसके साथ तो चटनी होना चाहिए। तो चटनी के लिए बादाम है, नारियल है, अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्च है, नमक है, सभी को पानी में डालकर इसका चटनी बना रहे हैं। और उसमें चटनी के लिए हम तड़का लगाएंगे, तो वो तड़का भी इसमें थोड़ा सा राई डालें, सरसों तेल डालें, गर्म हो गई है, थोड़ा चटक गया है। इतना टेस्टी और इतना हल्का और एकदम चटपटा ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। और इसके लिए मैं कढ़ी पत्ता डाले हैं, बहुत ज़्यादा डाले हैं ताकि इसमें टेस्ट भी, और थोड़ा इस तरह से इसे फ्राई करेंगे। इतना टेस्टी आपका ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। सुबह सुबह लगता है कुछ अच्छा होना, नाश्ता में अच्छा डिश मिले। तो इस तरह से देखिए चटनी भी पीसकर तैयार किए हैं और उसमें भी थोड़ा तड़का लगा दिए और थोड़ा तड़का इसमें भी डाल दिए ताकि इसका एकदम फ्लेवर और इसका टेस्ट एकदम चटपटा आ जाए। थोड़ा नमक इसमें स्वाद अनुसार देंगे, प्याज डालेंगे और जित आप चाहे तो वेजिटेबल्स में बहुत चीज़ डालते हैं, हरी मिर्च डाले हैं, धनिया पत्ती डाले हैं, सबको डाल कर एकदम मिक्स करेंगे। एकदम चटपटा एकदम टेस्टी ये नाश्ता बनकर एकदम तैयार होगा। और सारे को मिक्स कर रहे हैं, सभी को बहुत पसंद आया, सभी ने बोला कि हाँ ये बहुत हेल्दी और पौष्टिक नाश्ता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मूंग का दाल तो ऐसे भी फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए इसका छिलका भी डालने से भी आपके सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से साड़ी को मिक्स किए, प्याज, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, मसाला, नमक सभी पड़ गया। तावा, नॉनस्टिक वाला तावा, कोई भी तावा, आप लोहा वाला भी तावा आप बना सकते हैं। घोल भी इसका मीडियम में रखना, बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। और देखिए इस तरह से पानी डालकर इसे थोड़ा सा से अच्छे से तावा को धीपने के बाद इसे पानी डाल के इसे सूखा कपड़ा से, कॉटन कपड़ा से इसे पोंछ दिया गया है ताकि दम ये अच्छा दम आपका ये इतना टेस्टी और इतना आपका ये नाश्ता बनकर दम तैयार होगा। सभी को घर में तो इतना पसंद आया, सभी ने बोला हाँ थोड़ा ये हटकर लग रहा है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिसे थोड़ा प्रॉब्लम भी है कि भाई ये मसाला वाला चीज़ आपको नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, तो आप ये एकदम आराम से ये आप बना सकते हैं। और इसमें एक चम्मच सूजी डाल रहे हैं और ये थोड़ा आपका ये मोटा होगा, हल्का मोटा होने के कारण ये दो पीस आप ज़्यादा नहीं खा सकेगा, दो पीस में ही काफ़ी है ये। और आप चार पांच आदमी के लिए आप एकदम आराम से ये नाश्ता आप बना सकते हैं। कोई भी घर में गेस्ट आए हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि चलो क्या उसमें थोड़ा क्या कचौड़ी ये घी तेल का आइटम बनाए, तो ये आपका एकदम चटपटा और इतना टेस्टी ये नाश्ता बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। तो देखिए एकदम बनकर तैयार हो गया, कलर भी देखिए खूब अच्छा है इसका, एकदम ग्रीन और गोल्डन कलर, एकदम लाल भी ऊपर से, एकदम करंची और सॉफ्ट भी है। और उसके साथ में नारियल का चटनी सर्व कर, डिश पसंद लाइक और